अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्लोर पाकिस्तान में आपका होस्ट शहज़ाद आरिफ। आज हम आए हैं गुरु नानकपुरा में हाजी जान उर्फ जाना के नाम से एक बहुत ही पुरानी बारबेक्यू की शॉप है, जो तकरीबन राउंड अबाउट जब से पाकिस्तान बना है तब से इनकी इधर शॉप है। और यहाँ पे बड़े मज़े मज़े के आपको बारबेक्यू मिलता है, जिसमें इनकी जो स्पेशल चीज़ है वो है बीफ कबाब और साथ में इनके बीफ टिक्का। तो आइए नाज़रीन इनकी मेकिंग देखते हैं और इनसे जानते हैं कि ये कब से ये अपना सेटअप चला रहे हैं और इनका क्या रिस्पॉन्स आता है, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस शॉप के ओनर हैं, आइए इनसे मुलाकात करते हैं और आपको इनके बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सलाम सर, नाम क्या है? पहले तो आप अपने हमारे व्यूअर्स को ये बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। अच्छा इब्राहिम भाई, ये मुझे बताइएगा कि ये शॉप आपकी कब से है और ये काम स्टार्ट किसने किया था? ये शॉप हमारी अब तकरीबन हो गए 12-13 साल हो गए, हमारे दादा जी ने शॉप शुरू किया है। हाँ जी। और ये शॉप का जो नाम आपने रखा है ये किसका नाम है? ये हमारे दादा जान का नाम। अच्छा, ये उन्होंने ही स्टार्ट किया और ये शुरू से आप इधर ही बैठे हैं या इससे पहले कहीं और आपके सिटी? इधर सामने स्कूल की दुकानों में शॉप थी हमें। अच्छा, और यहाँ पे सेटअप आपको बनाए को कितनी देर हो गया? 26 साल हो गए। अच्छा, और हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि इसमें आपकी स्पेशलिटी क्या है, क्या चीज़ आपके इधर ज़्यादा लोग खाना पसंद करते हैं? बीफ टिक्का, बीफ कबाब, बस यही आप लगा रहे हैं। और इसके हमारे व्यूअर्स को इसका रेट भी बताइएगा कि कितने का वो आपसे? रेट कबाब 60 रुपये का, बीफ टिक्का 60 रुपये का, चिकन टिक्का 100 रुपये का। और ये जो आप बीफ टिक्के के लिए जो आप गोश्त वगैरह लेते हैं या कीमे के लिए, तो वो किसका कहाँ से लेते हैं और उसकी क्वालिटी वगैरह कैसे आप खुद चेक करते हैं या कहते हैं? हम खुद ही लेके आते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। और आपका डेली का तकरीबन माशाल्लाह कितना लग जाता है आपको? बस लग जाता है 20-25 किलो। अच्छा, वैसे हम जिधर भी इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं वो किसी ना किसी की कोई ना कोई स्पेशल रेसिपी होती है, आपकी भी कोई रेसिपी है इसमें? स्पेशल हमारे कबाब ही, बस। इसमें आप क्या मटेरियल क्या यूज़ करते हैं इसमें? मसाले वगैरह? मसाले वगैरह होते हैं, मसाले ज़्यादा होते हैं, और प्याज, अदरक, मिर्च और कुछ कीमा। जी नाज़रीन, ये इब्राहिम भाई से हमने मुलाकात की और अब हम आपको इनके मेकिंग भी दिखाते हैं और साथ में उनसे भी हम बात करते हैं, आइए। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ ज़मान भाई हैं जो इनका कह लें किचन का सेटअप देख रहे हैं और सारा कुछ ये अपने हाथों से बना रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ज़मान भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़मान भाई, आप बताएं आप हमें क्या खिला रहे हैं इधर से? आज क्या खाना है आपने? हम तो आपके स्पेशल चीज़ ही खाने आए हैं। स्पेशल है बीफ टिक्का और बीफ कबाब और चिकन टिक्का है हमारे पास। चलें, हम आपका स्पेशल बीफ टिक्का और साथ में बीफ कबाब लगाएंगे, आप हमारा भी ऑर्डर लगाएं। जी तो नाज़रीन, हमारा ऑर्डर आ गया, तो अब चेक करते हैं और देखते हैं 70 साल का जो इनका एक्सपीरियंस है वो कबाबों में नज़र आता है या नहीं। जी नाम भाई, चेक करें आप। चेक करने लगा हूँ जी मैं, ये बीफ कबाब है नाज़रीन। ये ऑथेंटिक कबाब हैं जो आजकल तो मेरा ख्याल है ये कम ही मिलते हैं इस तरह के, कहीं से ऑथेंटिक होते हैं ना जो पुराने जिस तरह के बनते थे कबाब, वैसे कबाब हैं ये, वही जायका है। और ये बीफ टिक्का है जो आमतौर पे मिलता ही नहीं है कहीं भी, आजकल मिलते हैं चिकन टिक्का, ये भी ट्राई करते हैं। जी नाज़रीन, ज़बरदस्त टेस्ट है जी इनका। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इसको लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। आपका होस्ट शहज़ाद आरिफ, इनामुल हक, अल्लाह हाफिज़।